अंदर जाकर देखती है तो वहाँ बॉनी चुड़ैल बर्तन धो रही होती है और राहुल की माँ की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। आओ ना माँ जी, मेरी मदद कर दो। देखो ना, मैं ऊपर तक पहुँच ही नहीं पा रही, मैं क्या करूँ अब। चुड़ैल अजी, अजी सुनते हो, यहाँ चुड़ैल है, जल्दी आओ मुझे बचाओ। राहुल की माँ वहाँ से भागती है पर उसे घर के हर कोने में वही चुड़ैल खड़ी दिखती है। वो यहाँ से वहाँ भागने लगती है पर चिल्लाती रहती है, कोई बचाओ मुझे, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। आपने लगता है मुझे पहचाना नहीं माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ पूजा और अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम जाओ यहाँ से और मेरा पीछा छोड़ दो, हम सबका पीछा छोड़ दो। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, जब तक मैं तुम लोगों से अपनी मौत का बदला नहीं लूंगी तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। चुड़ैल इतना कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद राहुल की माँ सारी बात राहुल के पापा को बताती है। अरे ये तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं, तुम बस उस पूजा के मरने से डर गई हो इसलिए तुम्हें वो दिखाई देती है। राहुल के पापा उसकी माँ की बात पर यकीन नहीं करते। अब रोज वो चुड़ैल कभी राहुल को दिखाई देती है और कभी उसकी माँ को। फिर एक दिन राहुल घर वापस नहीं आता। राहुल के माँ बाप बड़े ही परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं पर राहुल का कुछ पता नहीं चलता। क्या हुआ, राहुल का कुछ पता नहीं चला क्या? अरे तुमने सही कहा था, यहाँ तो सच में चुड़ैल है। हाँ मैं तो कब से कह रही थी और आपने मेरी बात नहीं मानी, इसी ने हमारे राहुल के साथ कुछ किया है। बिल्कुल सही पहचाना तुम लोगों ने, मैंने ही राहुल को एक बैग में बंद करके घर के पास दफना दिया है जैसे तुमने मुझे किया था। चुड़ैल इतना कहकर गायब हो जाती है और अब इसके बाद राहुल के माँ बाप जल्दी से पूरे बगीचे की खुदाई करना शुरू कर देते हैं। अरे इतने बड़े बगीचे को खोदना हमारे बस की बात नहीं है और तब तक देर ना हो जाए, हमें मजदूर बुला लेने चाहिए, है ना? हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने। वो लोग बहुत सारे मजदूरों को बुला लेते हैं और खुदाई करना शुरू करवा देते हैं। पूरा बगीचा खुद जाता है पर उसमें कहीं राहुल नहीं मिलता, लेकिन वहाँ एक मजदूर को एक बड़ा सा बैग जरूर दिखता है। वो उस बैग को खोलता है तो उसमें पूजा की लाश होती है। अरे भाइयों जरा इधर आओ, ये देखो इसमें तो किसी की लाश है। अरे हमें जल्दी से पुलिस को खबर करनी चाहिए वरना हम फंस जाएंगे। वो मजदूर पुलिस को खबर कर देते हैं और पुलिस उनके घर आ जाती है। अरे हमने कुछ नहीं किया, हम सच बोल रहे हैं। चुपचाप सच बोल दो वरना तुम्हारे बेटे को मैं जान से मार दूंगी, बस उसकी कुछ ही सांसें बची हैं। नहीं नहीं उसे मत मारो, हम बताते हैं। साहब जी हमने ही गलती से अपनी बहू को बैग में बंद करके बगीचे में दफना दिया था, हमसे भूल हो गई। इतने में वहाँ राहुल आ जाता है। क्या माँ आप लोगों ने पूजा के साथ ऐसा किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा माँ। तू जिंदा है मेरे बेटे? मत बोलो मुझे बेटा, मुझे रोज पूजा की आत्मा दिखती थी जो मुझसे कुछ कहना चाहती थी, मैं वही पता करने उसके माँ बाप के पास गया तो पता चला पूजा कभी वहाँ गई ही नहीं और आपने मुझे बोला कि वो अपने घर गई है क्योंकि उसकी माँ बीमार है। आज जब सच सामने आया तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। बेटा ये सब हमने तुम्हारे लिए किया था। छूट छूट छूट, मेरे लिए किया होता तो मुझे पता होता, आपने अपने लालच में मार डाला उसे क्योंकि उसके माँ बाप गरीब हो गए थे। मैं पूजा को पसंद करने लगा था पर जब मैं उससे ये बात बोल पाता तो यहाँ मुझे वो मिली ही नहीं। आप अभी के अभी इन दोनों को ले जाओ और इनको इनके किए की सजा दो। राहुल के माँ बाप चिल्लाते रह जाते हैं पर पुलिस उनको ले जाती है। उसके बाद राहुल अकेला घर में बैठा रोता रहता है। काफी रात हो जाती है तो उसे खिड़की के बाहर पूजा दिखती है। आज जो तुमने मेरे लिए किया वो बहुत बड़ी चीज थी, मुझे इंसाफ मिल गया, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहकर पूजा का भूत एक रोशनी में गायब हो जाता है।